नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा 10 गलती होता है जो यूट्यूबर जो है सो अपने यूट्यूब वीडियोस में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो गलती है आपका वो है कि नॉट लुकिंग एट द लेंस, यानी कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कहाँ, इधर देख रहे हैं। अगर आप, बहुत सारे यूट्यूबर यही करते हैं कि इधर उधर देख रहे होते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं, जबकि आपको देखना होता है डायरेक्ट लेंस में। अगर हम अभी लेंस में देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम आपको देख रहे हैं। और ये जो है सो यही एक पहला गलती है जो यूट्यूबर करते हैं कि इधर उधर देख रहे होते हैं, यहाँ देख रहे होते हैं, वहां देख रहे होते हैं, जहां पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे होते हैं। तो पहला गलती है आपका कि आपको सीधे अपने लेंस में देखना है, जिससे आपको लगेगा कि सामने वाले व्यूअर को लगेगा कि हाँ वो जो है सो आप मतलब हम ही को देख रहा है, मतलब आई कॉन्टेक्ट बनना चाहिए व्यूअर के साथ, इसलिए हमेशा लेंस में देखते रहें। ये पहला गलती था। और जो चलिए दूसरे गलती पे, दूसरा गलती जो है वो है कि दूसरे के YouTube कमेंट्स के नीचे में जो है, मतलब दूसरे जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं उनके कमेंट के नीचे स्पैम करते हैं। तो जो है सो बहुत सारे मतलब नए नए यूट्यूबर्स होता है कि यार हम भी जो है सो अपना YouTube वीडियो बनाएंगे और जो है सो उसका प्रचार करते हैं। तो क्या करते हैं, दूसरे बड़े यूट्यूबर के जो है सो कॉमेंट सेक्शन में जाके जो है सो अनाप शनाप कॉमेंट करते हैं, यार भाई हमको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो यही सब जो है सो करते रहते हैं, जबकि जो है सो इससे जो होता है क्या कि मतलब इससे जो है सो ये खराब बात है, वैसे भी खराब बात है, स्पैमिंग है और ये गलत तरीका है। इससे मिलता भी नहीं है आपको कुछ, बहुत कम मिलता है अगर मिलता भी है तो, लेकिन जो है सो मतलब कुछ होता नहीं है खासकर। लेकिन अगर आपको कमेंट ही करना है तो ऐसा कमेंट कीजिए जो लगे कि हाँ भाई इसमें दम है। व्यूज मत मांगिए डायरेक्ट, सॉरी सब्सक्राइबर मत मांगिए डायरेक्ट, व्यूज मत मांगिए डायरेक्ट, सीधे कहिए यार मतलब कुछ अपीलिंग कहिए, जैसे कि यार मुझे ये इन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत अच्छा लगा इनका कंटेंट देख के, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुमको भी हमें सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो आके, ऐसे कहिए। नहीं तो ऐसे कहते यार भाई सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, तो प्लीज प्लीज करते करते जो है सो, तो ये भी एक बहुत जो है सो घटिया चीज है और ये भी जो है सो आपकी यूट्यूबर को जो है सो यूट्यूब करियर को लेकर डूब जाएगा। तो तीसरा जो है, तीसरा जो गलती है आपको जो करते हैं वो है कंफ्यूजिंग जो है सो टाइटल। तो आप लोग जो डालते हैं तो शुरू शुरू में ऐसा टाइटल डालिए कि जो सर्च किया जा सके, जैसे कि मेरा टाइटल है 10 मिस्टेक यूट्यूबर्स मेक, तो ऐसा जो है सो लोग सर्च करते हैं इस वीडियो को, 10 मिस्टेक यूट्यूबर्स मेक, इस टाइप के टाइटल को सर्च करेंगे तो ये टाइटल अच्छा हो गया। आप कुछ कुछ डाल दीजिएगा, 100 डाल दीजिएगा, 40 डाल दीजिएगा और उसके बाद अनाप शनाप लिख दीजिएगा XYZ, और तो ऐसे टाइटल जो है सो अगर आप डालिएगा तो हो सकता है आप तो समझ जाएंगे उसके अंदर क्या है, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या है, तो वो जो है सो उस वीडियो को नहीं खोल पाएंगे। और अनाप शनाप टाइटल डालिएगा तो जो है सो आपका जो है सो वो जो है सो वीडियो को जो है सो बेसिकली नहीं देख पाएंगे और जो है सो इधर उधर चले जाएंगे। तो ऐसा टाइटल डालिए जो कि मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं डालिए टाइटल कि जो कि मीनिंगफुल नहीं हो। तो ये भी एक आपका जो है सो तीसरा गलती है। उसके बाद चौथा गलती है बींग इनकंसिस्ट, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, हाँ इनकंसिस्टेंट, बड़ा अजीब अंग्रेजी वर्ड, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यही जो थर्ड चौथा जो गलती है यही है कि आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं अपने यूट्यूब वीडियो को लेके। कहने का मतलब ये हो गया कि जो है सो आज 10 वीडियो डाल दिए और उसके बाद 10 महीना तक गायब रहे अपने यूट्यूब चैनल से, तो यही है इनकंसिस्टेंट ना होना। कहने का मतलब कि आज एक ही 10 वीडियो डाल दिए लेकिन उसके बाद जो है सो 10 महीना तक के लिए जो है यूट्यूब चैनल छोड़ दिए। हम पिछले 1 सालों से जो है सो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, रेगुलरली डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में जो है सो डाल दिए और उसके बाद जो है सालों गायब हो गए। तो ऐसा करने से जो होता है कि व्यूअर जो है सो आपके जो है सो सोचते हैं कि यार YouTube चैनल बंद पड़ गया है और जो है सो इंगेज नहीं रह पाते हैं आपके साथ वो जो है सो, तो इसलिए जो है सो और हो सकता है वो अनसब्सक्राइब भी कर दिए सोच के कि यार जो आप YouTube वीडियो बनाना छोड़ चुके हैं। तो इसलिए जो है सो कंसिस्टेंट रहिए और जो है सो रेगुलरली काम करते रहिए अपने चैनल पे। उसके बाद जो है सो पांचवा जो गलती आप करते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने में वो है कि इंट्रोज आप जो है सो गलत डालते हैं। इंट्रोज कभी कभी आप इतना लंबा डाल देते हैं कि यार जो है सो सोचते रह जाते हैं लोग कि यार इंट्रो है कि क्या है, और जो है जब तक इंट्रो चल रहा था तक वो वीडियो छोड़ के भाग जाती है उसका वीडियो छोड़ के गायब। तो इसलिए जो है सो ऐसा इंट्रो बनाइए कि जो है सो जो है कहने का मतलब कि छोटा हो और इफेक्टिव हो इंट्रो, एकदम लगे धकास है और जो है सो उसके बाद जो है सो जल्दी वीडियो शुरू हो जाए। और जो है सो इसलिए 5 से 10 सेकेंड जो होता है वीडियो का वही जो है सो सबसे जो है सो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो व्यूअर जो है सो पहले ही वीडियो छोड़, तो
तो हमेशा क्या कीजिए, वीडियो स्टार्ट कीजिए सिंपल अपने वर्ड से और आपको जो कहना है उससे, और उसके बाद इंट्रो डालिए और उसके बाद जो है सो अपना कंटेंट शुरू कीजिए। तो ऐसे में आपका जो है सो लोगों को जो है सो पहले इंटरेस्ट आएगा। आप जो है सो 5 सेकंड तक बोलिएगा कुछ उससे इंटरेस्टिंग चीज, तो इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद आप इंट्रो डालिए और उसके बाद अपना कंटेंट शुरू कीजिए। नहीं तो पहले ही इंट्रो डाल दिए तो जो है सो व्यूअर पहले ही 5 सेकंड में इंट्रो देखेगा, भाग जाएगा हो सकता है। तो इसलिए जो है सो पहले अपना क्या बोलने वाले हैं, वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस तरीके का चीज डालिए, और उसके बाद जो है सो आप अपना क्या कहते हैं इंट्रो डालिए और उसके बाद कंटेंट शुरू कीजिए। तो ये भी एक गलती जो है सो सुधारा जा सकता है इस तरीके से। उसके बाद छठा जो गलती करते हैं वो है डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड। जैसे कि डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड कहने का मतलब कि बैकग्राउंड में बहुत चीज हो रहा है, हलचल हो रहा है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे जो है सो आप अभी वीडियो बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे कैमरा के लेंस की तरफ देख रहे हैं और मेरे पीछे में इधर दरवाजा है, इधर खिड़की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में बनाएंगे तो पीछे आदमी चल रहा है, उधर आदमी चल रहा है, 10 जगह आदमी चल रहा है, तो लोगों का ध्यान आपसे हटके उस लोगों पे आ जाएगा जो पीछे में इधर उधर कर रहे हैं। तो इससे होगा या कि उसका ध्यान जो है सो बट जाएगा, और ध्यान बटने के बाद जो है सो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं क्या होगा, वो सुन नहीं पाएंगे, वो सुनेंगे नहीं जो आप बोल रहे हैं, वो जो है सो इधर उधर का बात सुनने लगेंगे पीछे में क्या हो रहा है, और जो है सो इस तरीके से जो है सो आपका वीडियो खराब बन जाएगा। तो और सातवां जो आप गलती करते हैं वो ये है कि बैड एवीएल, कहने का मतलब ऑडियो वीडियो और जो है सो क्या बोलते हैं, हाँ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी। कहने का मतलब कि अगर आप ऑडियो है तो ऑडियो ऐसी जगह, अभी अभी पीछे से मेरा ट्रैक्टर गया है, तो ऐसा नहीं चाहिए। वैसे हम क्या कर सकते हैं, मेरे घर जो है सो गलत जगह पे है इसलिए जो है सो पीछे सड़क के किनारे है, लेकिन उतना भी गाड़ी नहीं आता है, लेकिन जो है सो आता है थोड़ा मोड़ा। तो जो है सो ऑडियो सही होना चाहिए मेरे, बाकी मतलब जो है सो इस वीडियो में वो ट्रैक्टर के अलावा कहीं आवाज नहीं आया होगा अभी तक, हो सकता है अभी आए, गाड़ी आएगा तो आवाज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ना हो पीछे में, जितना बैकग्राउंड नॉइज हटा सकते हैं उसको हटा लीजिए। उसके बाद वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी आजकल के स्मार्टफोन में जो है सो बहुत अच्छा अच्छा स्मार्टफोन आ गया, क्वालिटी के साथ आ गया, आप स्मार्टफोन से जो है सो मतलब वीडियो बना सकते हैं, स्मार्टफोन से जो है सो स्मार्टफोन में बहुत कहने का मतलब बहुत अच्छा अच्छा स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन से आप चाहें अभी जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो भी एक सैमसंग के फोन से हो रहा है, तो ऐसे तरीके। और पीछे में जो है सो हम लाइट सेटिंग किए हुए, 2 गो 100 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं लाइटिंग के लिए, और एक जो है सो एलईडी लगाए हुए हैं 18 वाट का, हाँ 18 वाट का बड़ा वाला एलईडी। इसी वजह से जो है सो एकदम लाइटिंग परफेक्ट है इस रूम में, मेरे चेहरे पे सीधे लाइट आ रहा है, और इससे जो है सो आप मेरे चेहरे को साफ साफ अभी देख पा रहे हैं अगर आप एचडी में देख रहे हैं इस वीडियो को। तो इसलिए जो है सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम अच्छा होना चाहिए वीडियो का, नहीं तो यूजर जो है सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी अगर खराब है तो जो है सो देख के भाग जाता है। उसके बाद जो है आठवां जो आप गलती करते हैं, लो एनर्जी, जैसे कि कहने का मतलब बोल रहे हैं हम आज बात करने वाले हैं इस तरह का, हाँ तो हम आज बात करने वाले हैं ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम फ्रेंकली बोलना है, ऐसे बोलना है जैसे कि आप पे दम हो, एकदम एनर्जी को एकदम एनर्जी लेवल हाई करके बोलना है। अगर आप वीडियो से पहले एक बार अपने आप को प्रैक्टिस कर लीजिए और एकदम एनर्जी लेवल हाई जैसे हम बोल रहे हैं एकदम वैसे ही एकदम दवा दवा के बोलना है एकदम से, ये आठवां गलती हो जाता है, और इसी को आठवां गलती को सुधारना है। उसके बाद नौवां गलती जो करते हैं, मोनेटाइजेशन टू अर्ली, कहने का मतलब कि तुरंत 1000 सब्सक्राइबर हुआ और जो है सो उसके बाद जो है सो मोनेटाइजेशन बहुत लोग ऑन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ टाइम देना है मोनेटाइजेशन ऑन करने का, और जो है सो कुछ समय बाद ऑन करना है, क्योंकि शुरू शुरू में ही जैसे ही यूजर आएगा और आपका जो है सो देख लेगा कि एड चल रहा है इस वीडियो पे, तो हो सके बहुत बार एनॉय होते ही, बहुत मतलब लोग एनॉय होते ही एड देख के, उनको परेशानी होती है एड देख के, कभी बहुत 1% या 2% लोग होते होंगे जिसको एनॉय नहीं, मतलब जो परेशान नहीं होते होंगे एड देख के, या 1% या 2% ऐसा ऐड होता है जो इंजॉयबल होता है, जो जिसको एंजॉय किया सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐड जो होता है उसके अलावा उसको एंजॉय नहीं किया सकता, घटिया ऐड होता है, कहने का मतलब जिसको लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सॉरी उस बैकग्राउंड नॉइज के लिए। तो इसलिए जो है सो आपको जो है क्या कहते हैं जो है सो टू अर्ली जो है सो आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करना है। उसके बाद जो है सो इम्पेशेंस, दसवां और आखिरी जो है वो है इम्पेशेंस, कहने का मतलब कि आप एक बार जब वीडियो बना लेते हैं तो जो है सो उसके बाद जो है सो 10 बार, एक बार तो वीडियो बनाते एक वीडियो बनाइएगा उसके बाद 10 बार चेक कीजिएगा यार व्यूज आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो ये जो है सो बहुत जो है सो निगेटिव, ये सबसे मेन पॉइंट है और सबसे निगेटिव पॉइंट है कि मतलब आप इम्पेशेंस रहते हैं, आप पेशेंस रखिए और जो है सो काम करते रहिए जो है सो
सक्सेस एक दिन में नहीं आता है, सालों लग जाते हैं यूट्यूबर्स को जो है सक्सेस पाने में, तो इसलिए सालों तक काम करते रहिए का। मेरा चैनल जो है सो साल भर मतलब पूरे 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको 400 450 जो है सो सब्सक्राइबर मिला है, मात्र 450, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यार सक्सेस नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमको वीडियो बनाना इंटरेस्ट लगता है, हमको इंटरेस्टिंग लगता है वीडियो बनाना, और मेरा इंटरेस्ट का काम है वीडियो बनाना, इसलिए हम लगे रहे हैं और काम करते रहे करते रहे हैं, और इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि मतलब आज नहीं तो कल कभी ना कभी 1,000 सब्सक्राइबर होगा, इसलिए हम लगे हुए हैं, और होगा ही कभी ना कभी होगा ही, इसलिए इम्पेशेंस मत होइए कि यार व्यूज नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, बस काम करते रहिए, व्यूज अपने आप आएगा, सही डायरेक्शन, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए, तो कभी ना कभी आज नहीं तो कल आज व्यूज आएगा ही। किस्मत यूट्यूब पे जो है सो किसी किसी का चमकता है, तो जो है सो एक ही बार में जो है सो उड़ जाता है हवा में, उसका व्यूज आना शुरू हो जाता है, लेकिन सबका नहीं चमकता है, इसलिए अगर आपका नहीं चमक रहा है किस्मत, तो जो है सो इंतजार कीजिए, कभी ना कभी चमकेगा, और नहीं चमकेगा तो धीरे धीरे काम करते रहिए, धीरे धीरे जो है सो हार्डवर्क से चमकेगा किस्मत। तो यही आपका आखिरी और 10वां पॉइंट था, और ये एक मेन पॉइंट था, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जब तक के लिए नहीं सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लगता है कि आपको मतलब किसी और को भी ये वीडियो इस वीडियो में जो बोला गया है वो जानना चाहिए, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि हाँ आप फ्यूचर में भी इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल पे अलग अलग तरह तरह के वीडियो जो है हम अपलोड करते रहते हैं, रैंडम कुछ भी, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।